एक स्टार्टअप इवेंट जिसमें नरेंद्र मोदी, सुंदर पिचई और एलन मस्क जैसे लोग आ रहे हो और प्रमोट भी इंडिया के बिगेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हो, अगर मौका मिले तो क्या आप ऐसा इवेंट अटेंड करोगे? 9000 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स, 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स और नेटवर्किंग करने का मौका, और कुछ ऐसा ही वादा था इस स्टार्टअप इवेंट का, जहां इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स से ज्यादा इवेंट के दिन पुलिस देखने को मिली। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो बने रहिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो। जरा सोच के देखिए, दो लोगों ने नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री से आइडिया लेके वर्ल्ड के सबसे बड़े फंडिंग स्कैम को अंजाम दिया। जिस नेटफ्लिक्स सीरीज से इन्होंने आइडिया लिया उसका नाम था फायर, द ग्रेटेस्ट पार्टी दैट नेवर हैपेंड। ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी आज से करीब 6 साल पहले हुए यूएस के एक स्कैम के ऊपर, जो कि लग्जरी फेस्टिवल के नाम पे किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्कैम के ऑर्गेनाइजर्स ने बोला कि वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी प्लान कर रहे हैं जो कि बहामास आइलैंड पे होने वाली है। इवेंट प्लानर्स ने ये भी बताया कि वर्ल्ड के 33 सबसे फेमस आर्टिस्ट आने वाले हैं, जो इस आइलैंड पे नियरली अगले 2 हफ्ते में परफॉर्म करने वाले हैं और साथ ही रुकेंगे भी। आने वाले लोगों को एक्सपेंसिव रिसॉर्ट्स और विलास दिए जाएंगे विद एक्सपेंसिव फूड कुजींस। इस सारे स्कैम को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज किया गया। अब क्योंकि केंडल जेनर, बेला हदीद जैसी फेमस पर्सनालिटीज ने इसको प्रमोट किया था, तो लोगों ने आसानी से भरोसा भी कर लिया और इवेंट के हाई एंड टिकट्स भी परचेज कर लिए। इवेंट में आने वाले काफी सारे लोग तो ऐसे थे जो एक्चुअली में वो टिकट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, पर क्योंकि उनकी फेवरेट पर्सनालिटीज आ रही थी तो उन्होंने कैसे ना कैसे जुगाड़ करके टिकट्स परचेज कर लिए। वहां पहुंच के उनके होश उड़ जाते हैं। जो आर्टिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनमें से तो कोई भी वहां नहीं था, और जहां पे रुकने के लिए लग्जरी विलास की बात हुई थी उनको रुकने के लिए टेंट्स दिए जाते हैं, कहने के लिए एक्सपेंसिव कुजींस की जगह नॉर्मल सैंडविचेस दिए गए, और धीमे धीमे रियलाइज होता है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। सेम ही तरह से ये इवेंट इंडिया में भी रिक्रिएट हुआ, बट एक डिफरेंट स्टाइल के साथ। वहां पे म्यूजिक फेस्टिवल था, यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार्टअप फंडिंग इवेंट था। काफी सारे लोगों और बड़े बड़े स्टार्टअप्स को करोड़ों का नुकसान हुआ था, पर इस सारे स्कैम की शुरुआत हुई थी लास्ट ईयर 2022 में, लगभग 1 साल पहले, जहाँ दो लोग यानी कि लियुक तलवार और अर्जुन चौधरी ने एक प्लान बनाया जहाँ पे ये लोग एक बहुत बड़े स्टार्टअप फंडिंग इवेंट के नाम से वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार्टअप फंडिंग इवेंट करवाने का सोचते हैं। इस पूरे इवेंट का मेन थीम ये रखा गया कि डिफरेंट स्टार्टअप अपने बिजनेस आइडियाज और पिचेस को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पिच कर सकते हैं और 2-3 दिन के इस इवेंट में बड़ी बड़ी फंडिंग ले सकते हैं। सारी चीजों को देखते हुए इवेंट का स्लोगन रखा गया, बहुत हुआ ज्ञान, अब फंडिंग की बारी। इवेंट को लेके काफी बड़े बड़े क्लेम्स भी किए गए, जैसे कि इस इवेंट में 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स आएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड से। सभी स्टार्टअप्स को एक दूसरे से नेटवर्किंग करने का फायदा मिलेगा। स्टार्टअप्स अपने आइडियाज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पिच कर सकते हैं। ऊपर से आने वाले इन्वेस्टर्स कोई छोटे मोटे नहीं होंगे, बल्कि 1500 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे। साथ ही 9000 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स होंगे जो इस इवेंट में 50 डिफरेंट कंट्रीज से आने वाले हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बोला कि जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनका टोटल एसेट मैनेजमेंट 49.6 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। साथ ही काफी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया, जिसका इस इवेंट से कोई लेना देना नहीं था। अब सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये थी कि इन्होंने अपनी टिकट्स बेचने के लिए ये तक कह दिया कि इस इवेंट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी भी एज चीफ गेस्ट आने वाले हैं और कुछ स्पेशल अनाउंस भी करेंगे। कुछ टाइम बाद जब इनको ये रियलाइज हुआ कि ये तो यार काफी ज्यादा झूठ कह दिया, इन्होंने पीएम का नाम हटा के एलन मस्क, सुंदर पिचाई, गौतम अदानी जैसे लोगों का नाम भी एड कर दिया और ये बताया कि ये सारे लोग यहाँ पे एज इन्वेस्टर्स और चीफ गेस्ट बन के आएंगे, जिससे ये लोग एक्सट्रीमली हाई टिकट जो कि 8 से 20 हजार तक की है वो बेच सके और उनकी प्राइसेस को जस्टिफाई कर पाए। नवंबर 2022 में इन लोगों ने अपने इवेंट का प्रमोशन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर दिया और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एड्स का यूज किया। ये एड देख के पहले तो लोगों को ये इवेंट फेक लगा, अब उनको ये लगा कि एलन मस्क जैसी पर्सनालिटीज इस इवेंट में कभी नहीं आएंगी, पर जिससे लोग आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए और इस इवेंट के बारे में पता ना कर पाए, इन्होंने अभी आज में कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया। ऐसा करने से काफी सारी टिकट्स तो बिक गई, पर जो इनका रिस्पांस था वो इनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था। अब सब चीजों को ऑथेंटिक दिखाने के लिए इन्होंने एक और प्लान बनाया। अब इस प्लान के चलते इन्होंने इस इवेंट की डेट को थोड़ा सा आगे कर दिया। जहां ये इवेंट पहले जनवरी 2023 में हो रहा था, अब वो मार्च 2023 में होने वाला था और इवेंट का वेन्यू जो था वो भी चेंज कर दिया। चीजों को एक्चुअल दिखाने के लिए इन्होंने एलन मस्क, सुंदर पिचाई और गौतम अदानी के नाम को हटा दिया और इसकी
जगह नाम यूज किए, जैसे कि श्री नितिन गडकरी जी का जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी और यूपी के डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का। अब क्योंकि इस इवेंट के जो दोनों फाउंडर्स थे उनके बैकग्राउंड को लेके कोई ज्यादा स्क्रूटनी नहीं थी, अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने एक मास्टर प्लान तैयार किया। इन लोगों ने श्री नितिन गडकरी जी के साथ एक फोटो डाली, ऊपर ये लिखा कि हाल ही में नितिन जी से मुलाकात हुई और इस इवेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ और नितिन जी भी इस इवेंट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और वो इन लोगों को काफी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए लोगों को ये लगने लगा कि ये इवेंट ऑथेंटिक है और इन लोगों के कनेक्शंस काफी हाई लेवल पे हैं। लोगों को एक्चुअली ये लगा कि ये इवेंट हो सकता है काफी अच्छे लेवल पे होने वाला है। देखते देखते जल्दी से जल्दी टिकट सेल आउट होने लगी और देखते ही देखते काफी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स ने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर लिया। टिकट्स के साथ साथ जो स्टार्टअप फाउंडर्स इस इवेंट में पिच करना चाहते थे उनको अलग से 30 से 50 लाख तक पे करने पड़े अपनी स्पेशल कैनोपीज लगाने के लिए। इसके साथ साथ स्टार्टअप फाउंडर्स ने काफी सारा पैसा खर्च किया अपने प्रोटोटाइप बनाने के लिए जिससे वो इन्वेस्टर्स को दिखा सकें। साथ ही स्टार्टअप्स ने अपनी टीम्स को भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज से बुलाया जिससे वो लोग कंपनी की इजीली हेल्प कर पाए इस पूरे इवेंट में आने का खर्चा, रुकने का, फूडिंग का और भी बहुत सारे खर्चे जो कंपनी को अपने खुद की तरफ से ही पे करने थे। इतने सारा पैसा खर्च करने के बाद जब ये लोग उस वेन्यू पे पहुंचे इन लोगों के होश ही उड़ गए। आप खुद सोचो इतना पैसा खर्चो और मिले क्या? कुछ नहीं। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स उनको बोले गए आने वाले हैं उनमें से कोई भी वहां नहीं था। साथ ही जो बड़े बड़े पार्टनर्स और इवेंट्स के बारे में बात हुई थी उनमें से भी कोई वहां नहीं था। सब देख के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था और तुरंत ही पुलिस को वहां बुला लिया गया। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार लोगों का तो ठीक है पर इन स्टार्टअप्स ने इतने बड़े बड़े पैसे खर्च करने से पहले इस पूरे इवेंट की क्रेडिबिलिटी को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया और ये लोग इतनी जल्दी इसमें कैसे फंस गए? इन सारी चीजों के मुझे दो बड़े रीजंस मिले। पहला था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने काफी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का यूज किया जैसे चेतन भगत, राज शमानी, अंकुर वारिकू और प्रफुल बिल्लोर, जहां इन लोगों ने अपनी अपनी वीडियोस में ये बोला कि ये काफी अच्छा मौका हो सकता है फंडिंग पाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए और नेटवर्किंग क्रिएट करने के साथ साथ कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ये तक बोल दिया कि वो खुद भी इस इवेंट में आएंगे। इन इन्फ्लुएंसर्स की क्रेडिबिलिटी, फैन फॉलोइंग और ट्रस्ट फैक्टर के चलते लोगों को बहुत आसानी से इनकी क्रेडिबिलिटी पे ट्रस्ट हो गया। सेकंड जो सबसे बड़ा रीजन था वो था स्टार्टअप विंटर्स। अब सबको ये तो पता है कि 2019 से लेकर 2021 तक इंडियन स्टार्टअप को काफी बड़ी बड़ी फंडिंग्स मिली और इस पीरियड को इंडियन स्टार्टअप्स के लिए गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। पर 2021 के बाद वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही हैं और इसी वजह से काफी सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग मिलना आसान नहीं है और इसी वजह से काफी सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनका जो फंडिंग वेल है वो सूख गया है और सभी लोग फंडिंग के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इन सारी चीजों के चलते हुए काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जो फंडिंग्स के लिए परेशान हैं। इस इवेंट को एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए फंडिंग्स को रियलाइज करने के लिए उन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था पर किसे पता था कि ये दो लोग इन सारी सिचुएशंस का गलत फायदा उठाएंगे। एक बात और है गौर करने की कि जब से इंडिया में शार्क टैंक चालू हुआ है तब से काफी सारे लोगों को स्टार्टअप करने का भूत सवार हो गया है जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। पर आज के टाइम स्टार्टअप करना और लोगों के दिमाग में बिजनेस और उसके फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी फंडिंग उठाने के लिए करना चाहते हैं और सबको जल्द ही अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न बनाना है। अब भले ही ये स्कैम पकड़ा गया पर सच्चाई ये ही है कि जिन जिन लोगों ने इस स्कैम में अपना पैसा गवाया है उनको वो पैसा कभी नहीं मिलने वाला। पर इस पूरे स्कैम से एक बात सीखने वाली है कि सोशल मीडिया पे जो भी हम बातें सुनते हैं भले ही वो आपका कितना ही फेवरेट इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं कह रहा हो आपको ब्लाइंडली उस पर भरोसा नहीं करना है। खुद से एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये ऑथेंटिक है भी या नहीं है। मान सकते हो कि आगे के लिए ये एक वार्निंग है कि इंडिया और वर्ल्ड में न जाने कितने सारे और स्कैम्स हैं जो आने वाले हैं जिससे हमारे को सतर्क रहना है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बचना है। मोस्ट कॉमनली वो स्कैम्स होंगे जहां स्टार्टअप्स अपने आईपीओस मार्केट में लेके आएंगे जहां ना उनके एक्चुअल रेवेन्यूज का पता है ना बिजनेस का पता है तो प्रॉफिट्स का भूल ही जाओ। बस एक ही मकसद है रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लूटना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम लोग वापस मिलेंगे